कहानी की शुरुआत में हम जस्टिन को देखते हैं जो कि एयरपोर्ट पर अपने बैग के आने का इंतजार कर रहा था। इसी दौरान उसका दोस्त एलेक्स उसे मैसेज करता है कि वो कैसा है। जस्टिन बताता है कि उसकी गर्लफ्रेंड कार्ला ने उससे ब्रेकअप कर लिया है। तभी वो मुड़कर अपने बैग को देखने लगता है, लेकिन अभी तक उसका बैग आया नहीं था और पूरे एयरपोर्ट पर वो अकेला ही था। तभी वो देखता है कि बैगेज ऑफिस भी बंद हो चुका है। वो मदद के लिए आवाज लगाने लगता है, लेकिन तभी वो देखता है कि अचानक बंद पड़ी बैगेज मशीन में एक काला सूटकेस बाहर आता है। अब ये देखकर जस्टिन को लगता है कि ये बैग उसी का ही है, इसलिए वो उसे उठाकर वहां से निकल जाता है। तभी उसके जाते ही वो मशीन अपने आप ही चलने लगती है और हम देखते हैं कि उसके सारे कपड़े वहां पर बिखरे पड़े होते हैं। इसके बाद जब वो कार से अपने घर जा रहा होता है तो उसकी पिछली सीट पर रखे बैग में से आवाज आने लगती है, लेकिन जस्टिन उस पर ध्यान नहीं देता। तभी उसे कार्ला का मैसेज आता है कि कल वो उसके घर आकर अपना सारा सामान ले जाएगी। इसी दौरान उसकी जलती हुई सिगरेट उसकी उंगली पर लग जाती है और उससे गलती से कार्ला को वीडियो कॉल लग जाता है। कार्ला को लगता है कि जस्टिन उसके प्यार में पागल होकर उसे वीडियो कॉल कर रहा है, लेकिन उसके एटीट्यूड से जस्टिन चिढ़ जाता है और गाड़ी को तेजी से दौड़ाता हुआ अपने घर आ जाता है। इसके बाद वो बैग को दरवाजे पर ही छोड़कर फ्रिज में से कुछ खाने को लेने जाता है, लेकिन उधर भी कार्ला ने जस्टिन के लिए गालियां ही लिखी हुई थी, इसलिए वो कुछ नहीं खाता। इसके बाद वो अपने कमरे में जाकर कुछ सीडीज उठाता है और फिर से एक सिगरेट जला लेता है। कुछ देर बाद उसका वो सूटकेस धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगता है। उसमें से उसे किसी आदमी की आवाजें आ रही थी, जिसे सुनकर वो घबरा जाता है। फिर उसे लगा कि शायद उसका दोस्त एलेक्स उसके साथ मजाक कर रहा है, जिसके बाद वो एलेक्स को आवाज लगाता है, लेकिन तभी वो सूटकेस वाला आदमी कहता है कि यहाँ पर कोई एलेक्स नहीं है। अब हैरान होकर जस्टिन धीरे से उस सूटकेस को खोलने लगता है, लेकिन तभी फिर से उसे आवाज आने लगती है। वो बैग जमीन पर रखकर उसे खोल देता है और देखता है कि उसमें एक आदमी बहुत ही बुरी तरह से मुड़ा हुआ पड़ा है। तभी वो आदमी जस्टिन को उसका सिर बाहर निकालने को कहता है। अब डरा हुआ जस्टिन एक बेसबॉल बैट उठाकर उसकी तरफ बढ़ने लगता है, जिस पर वो आदमी उससे रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज मुझे मारना मत। वो आदमी कहता है कि उसे एक श्राप मिला था, जिस वजह से वो यहाँ पर फंसा हुआ है। जस्टिन उसे कहता है कि वो उसे हॉस्पिटल ले जाएगा, लेकिन वो आदमी निराश होकर कहता है कि हॉस्पिटल वाले भी उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। वो दर्द से चिल्ला रहा था तो जस्टिन जल्दी से बैग को बंद करके उसे हॉस्पिटल ले जाने लगता है, लेकिन वो आदमी चिल्लाकर उसे रोक देता है। कहता है कि अगर जस्टिन उसे बैग से बाहर निकाल दे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। जस्टिन थोड़ा घबराया हुआ था, लेकिन फिर भी वो उसकी बात मान जाता है। वो उसका पैर उठाकर बाहर निकालने लगता है, लेकिन तभी वो आदमी दर्द से चिल्लाने लगता है। तभी अचानक एक सोने का सिक्का उसके मुंह से उछलकर बाहर आता है। जस्टिन हैरान होकर उस सिक्के को देखने लगता है, जिस पर वो आदमी उसे बताता है कि जब जब उसे दर्द का एहसास होगा तब तब उसके मुंह से सोना बाहर निकलेगा, लेकिन जस्टिन को अभी भी उस पर यकीन नहीं होता। लेकिन वो आदमी उसे कहता है कि जस्टिन उसे दर्द देकर जितना चाहे उतना सोना ले सकता है। साथ ही वो उसे कहता है कि अगर वो उसे इस सूटकेस से बाहर निकाल देगा तो वो अपना सारा सोना उसे दे देगा। ये बोलते ही वो आदमी सो जाता है और जस्टिन उस सूटकेस को बंद करके अपने कमरे में ले आता है। इसके बाद जब जस्टिन भी सो रहा होता है तो उसे सपना आता है कि वो खुद भी एक सूटकेस में है। तभी वो सूटकेस बंद हो जाता है और जस्टिन उसमें फंस जाता है। फिर वहां पर सूट पहने हुए तीन आदमी आते हैं और लगातार गोलियां चलाकर जस्टिन को सूटकेस में ही मार डालते हैं। अगली सुबह जब जस्टिन की नींद खुलती है तो उसे एहसास होता है कि वो तो सिर्फ एक डरावना सपना था और उसका सूटकेस अभी भी वहीं पर ही था। फिर वो सोने के सिक्के को उठाता है और एक दुकान वाले को बेचने चला जाता है। फिर उस सिक्के को देखकर दुकानदार कहता है कि ये तो बहुत ही पुराने जमाने का है। जस्टिन पूछता है कि क्या मुझे इसके कुछ पैसे भी मिल सकते हैं। इस पर वो दुकानदार कहता है कि वो इस सिक्के के बदले उसे $275 देने को तैयार है। फिर पैसे लेकर जस्टिन पार्क में अपने दोस्त एलेक्स के पास जाता है और उसे वही कागज दिखाता है। अब ये देखकर एलेक्स उसे कहता है कि ये तो तुम्हें बहुत कम पैसे दे रहा है, मैं तुम्हें इससे ज्यादा दिलवा सकता हूँ। फिर घर जाते वक्त जस्टिन एलेक्स को सूटकेस वाले आदमी के बारे में सब कुछ सच बता देता है, लेकिन इस पर एलेक्स उसका मजाक उड़ाने लगता है। तभी घर पहुंचने पर जस्टिन उसके घर से कार्ला को निकलते हुए देखता है, जो डरी हुई वहां से भागने लगती है। जस्टिन घबराते हुए उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। कार्ला जवाब देते हुए कहती है कि वो तो अपना सामान लेने आई थी, लेकिन उसने कभी सोचा भी नहीं था कि जस्टिन एक खूनी निकलेगा। अब एलेक्स और जस्टिन को कुछ समझ नहीं आता कि वो बोल क्या रही है। तभी एलेक्स अंदर जाकर देखता है कि उस सूटकेस में से एक आदमी का हाथ बाहर निकल रहा है। तभी वो उस बैग को खोलकर देखता है कि एक आदमी अंदर सो रहा होता है। फिर जस्टिन उन तीनों को अपने कमरे में ले जाकर सारी बातें सच बता देता है, जिसके बाद जैसे ही वो लोग सूटकेस के पास जाते हैं वो आदमी नींद से जाग जाता है, जिसको देखकर एलेक्स और कार्ला घबरा जाते हैं। तभी जस्टिन उन्हें समझाता है कि उसे ये आदमी इसी हालत में मिला था। अभी सुनकर कार्ला उसे खुद ही बाहर निकालने की कोशिश करने लगती है। अब जस्टिन और कार्ला मिलकर उस आदमी के पैर को बाहर निकाल रहे थे, लेकिन तभी वो आदमी फिर से दर्द से चिल्लाने लगा और उसके मुंह से एक और सिक्का बाहर निकल आया, जिसके बाद धीरे धीरे उसके मुंह से और भी सिक्के बाहर आने लगे। कार्ला पूछती है कि ये सब क्या हो रहा है, और वहीं मौका देखकर एलेक्स एक सिक्के को उठाकर अपने पास रख लेता है। फिर वो सूटकेस वाला आदमी कहने लगता है कि अब उसे थोड़ा आराम करने की जरूरत है। अब कार्ला उसे बाहर निकालना चाहती थी, लेकिन तभी एलेक्स उन दोनों को लेकर दूसरे कमरे में चला जाता है।
वो उन दोनों को समझाता है कि उनके हाथ तो लॉटरी लग चुकी है, वो जितना चाहे उतने सिक्के निकालकर अमीर हो सकते हैं, लेकिन कार्ला और जस्टिन को ये अच्छा नहीं लगता। तभी वो सूटकेस वाला आदमी एलेक्स को आवाज लगाने लगता है। उधर जस्टिन कार्ला से कहता है कि वो चाहे तो थोड़ा पैसा कमा सकते हैं, लेकिन ज्यादा दिनों तक इस आदमी को यहाँ पर रखना सेफ नहीं होगा। दूसरी तरफ एलेक्स उस बैग को बंद करके उसे खींचकर दूसरे कमरे में ले जाने लगता है। अब इससे पहले कि जस्टिन और कार्ला कुछ कहने लगते, एलेक्स उस सूटकेस को सीढ़ियों से नीचे फेंक देता है। तभी उसके नीचे गिरते ही बहुत सारे सोने के सिक्के जमीन पर बिखर जाते हैं। अब ये देखकर उन तीनों के मन में लालच आ जाता है और तभी एलेक्स कहता है कि अब हम इस आदमी को कहीं नहीं जाने देंगे, जिस पर जस्टिन और कार्ला भी उसकी बात मान जाते हैं। अब इसके बाद क्या था, वो तीनों अलग अलग तरीकों से उस आदमी को टॉर्चर करके उससे सोना निकालने लगते हैं, जिसके बाद अगले दिन वो उन पैसों से खूब अय्याशी करते हैं और महंगी महंगी चीजें खरीदते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें ये भी पता चलता है कि कार्ला और एलेक्स का तो चक्कर चल रहा था, मतलब कि वो यहाँ पर जस्टिन का काट रही थी। फिर जब जैसे ही उन्हें जस्टिन के आने की आवाज सुनाई दी तो वो लोग वापस से नॉर्मल बिहेव करने लगे। फिर उसी रात वो तीनों मिलकर उस सूटकेस से एक डिवाइस को जोड़ देते हैं जो उसे लगातार बिजली के झटके दे रहा था, जिससे उस आदमी के मुंह से लगातार सोना निकल रहा था। अब उस आदमी को इतना दर्द में देखकर जस्टिन उस मशीन को बंद कर देता है। वो कहता है कि कोई भी आदमी इतनी ज्यादा बिजली सहन नहीं कर सकता और अगर ये मर गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन कार्ला तो अपने लालच में इतनी अंधी हो चुकी थी कि उसने जस्टिन की बातों पर ध्यान ही नहीं दिया और बिजली का झटका और भी तेज कर दिया, जिस वजह से उसके मुंह से और भी ज्यादा सिक्के बाहर निकलने लगे। तभी ज्यादा दर्द होने की वजह से वो आदमी कहता है कि शायद उसे दिल का दौरा पड़ने वाला है, जिसे सुनकर अब कार्ला रुक जाती है। लेकिन वही लालची एलेक्स मशीन को और भी तेज कर देता है। जस्टिन गुस्से में उसे ये बंद करने को कहता है, लेकिन एलेक्स उसकी कोई भी बात नहीं सुनता क्योंकि अभी उसे और भी सिक्के चाहिए थे। लेकिन तभी जस्टिन उन्हें रुकने को कहता है, नहीं तो वो पुलिस को फोन लगा देगा। अब वो अपना फोन बाहर निकालकर डायल करने लगता है, पर तभी कार्ला उसका फोन लेकर उसे हथौड़े से तोड़ देती है, जिसके बाद वो उसी हथौड़े से जस्टिन के सर पर मारकर उसे घायल कर देती है। जस्टिन लड़खड़ाता हुआ कमरे से बाहर निकलता है, पर तभी कार्ला भी उसे जान से मारने के लिए उसके पीछे भागती है। लेकिन तभी जस्टिन सीढ़ियों से नीचे गिरता है और बेहोश हो जाता है। ये देखकर एलेक्स हैरान रह जाता है और उन्हें कुछ समझ नहीं आता कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। एलेक्स कहता है कि उन्हें ये शहर छोड़कर भाग जाना चाहिए, पर तभी पीछे से उस आदमी की आवाज आती है कि वो भागकर कहीं नहीं जा सकते। एलेक्स उसे अपना मुंह बंद रखने को कहता है और एक आखिरी बार उसे झटका देकर उसका सारा सोना लेने का फैसला करता है। लेकिन तभी वो आदमी जोर जोर से हंसने लगता है और अचानक उसकी आंखें एकदम से पीले रंग की हो जाती हैं और उस सूटकेस में से बहुत सारा धुआं बाहर आने लगता है। अब वो आदमी एक बड़े से राक्षस में बदल चुका था। ये देखकर एलेक्स और कार्ला डर के मारे जोर से चिल्लाने लगते हैं, लेकिन तभी पता नहीं कहां से दो सूटकेस आकर नीचे गिरते हैं और वो राक्षस उन दोनों को उन सूटकेस में कैद कर देता है। फिर कुछ देर बाद जब जस्टिन की आंख खुलती है तो वो एक हॉस्पिटल में होता है। उसके पास में एक लेटर पड़ा था जिसे उस सूटकेस मैन ने लिखा था कि वो उसकी हेल्प के लिए हमेशा तैयार रहेगा। जिसके बाद हम उसी आदमी को देखते हैं जो कि एक एयरपोर्ट पर काम करता है और उसके पास एक जैसे दिखने वाले कई तरह के सूटकेस हैं, जिनमें से दो सूटकेस जिसके अंदर कार्ला और एलेक्स थे वो चिल्लाकर उसे आवाज लगाने लगते हैं, जिस पर वो आदमी हंसने लगता है और उन सूटकेस को इस्तांबुल के लिए रवाना कर देता है। और इसी के साथ ही ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है।